गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कौटिल्य बलरामपुर आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग एक्सप्रेस वेज के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तब तक किसी रॉ मटेरियल के लिए हम पर्याप्त उसका पैसा नहीं पाएंगे या उस रॉ मटेरियल को उचित जगह हम लोग नहीं लगा पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी उद्देश्य से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वेज का निर्माण शुरू किया। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में अध्ययन करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वह आर्थिक रूप से संसाधनशील है, उसमें संसाधनों की अधिक है, उसमें रिचनेस है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिणी तरफ चलेंगे यूपी के, तो वहां पे आपको गरीबी दिखेगी, वहां पे आपको संसाधन की कमी दिखेगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना बेहतर होगा उससे फायदा यह होगा कि जो भी संसाधन है या जिन संसाधनों की कमी है वो उन संसाधनों का एक्सचेंज किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से कुल 7 जिले लाभान्वित होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से कुल 7 जिले लाभान्वित होंगे। पहला है चित्रकूट, दूसरा है बांदा, तीसरा हमीरपुर, चौथा जालौन, पांचवा महोबा, छठा औरैया, सातवां इटावा। पहला जिला चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, महोबा, औरैया और इटावा। इसकी कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है, लेकिन हमें इतना डेटा नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि 296 किलोमीटर के लगभग इसकी कुल लंबाई। यह चित्रकूट से शुरू होता है और इटावा पे जाके खत्म हो जाता है। चित्रकूट जनपद से इसकी शुरुआत होती है और इटावा जनपद में जाके खत्म हो जाता है। इसकी कुल निर्माण लागत लगी है 14,850 करोड़। इसकी कुल निर्माण लागत कितनी है? 14,850 करोड़। और इसकी निर्माणकारी संस्था है यूपीडा। यह 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो चित्रकूट और इटावा को आपस में कनेक्ट करेगा। चित्रकूट आपका ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बॉर्डर का क्षेत्र है, तो ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश से उत्तरी उत्तर प्रदेश के कनेक्शन का भी एक रास्ता है या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कनेक्शन का एक रास्ता है जिससे आपस में ये दोनों कनेक्ट होंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट गंगा एक्सप्रेस वे की। तो हम लोग बात कर रहे थे गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में। गंगा एक्सप्रेस वे सबसे खास बात क्या है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ये आप सब लोग जानते हैं। तो जैसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है ये याद रहेगा, उसी प्रकार यह भी याद रहेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे। जैसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है उसी प्रकार गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 593.something है। अगर आपका ऑप्शन यह भी आ जाता है कि लगभग 594 किलोमीटर तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव अंकों का हेर फेर है, उसके कारण पूर्णांक अंक ले लिया गया है 594 किलोमीटर। ठीक है, तो चाहे लगभग 594 किलोमीटर आए या 593 किलोमीटर आए, दोनों में से ऑप्शन आप कर दीजिएगा, दोनों एक साथ आएंगे
तब वहां पे टेक्निकलिटी हो जाएगी कि ये 594 वाला ज्यादा सही है, ऐसा फिलहाल आएगा नहीं, बहुत कंट्राडिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दशमलव अंकों के कारण ही इसको 594 लिखा गया है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, 594 या 93 से अगर या तो एग्जैक्ट आंकड़ा दिया है और ये 50 से ऊपर रहेगा, जैसे 1.7 अगर 7 लिखा है तो उसको लगभग आप 2 लिख सकते हो। जैसे 5 से ऊपर होता है आप पूर्णांक अंक में अगला पूर्णांक ले लेते हो, तो इसके लिए आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। तो गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ये मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज में इसका अंत हो जाता है। कहां से शुरू होता है? मेरठ से, और इसका अंत कहां हो जाता है? प्रयागराज में। इससे कुल 12 जिले लाभान्वित होते हैं, यानी कि यह 12 जिलों से होकर गुजरता है। पहला है मेरठ, हापुड़ आप यह भी जान लीजिए यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। फिर तीसरा जिला है बुलंदशहर, चौथा है अमरोहा, पांचवा है संभल, छठा है बदायूं। बदायूं की खासियत यह भी है कि यह सबसे लंबा तट वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। गंगा का सबसे ज्यादा तट यहीं पर है, सबसे लंबा तट वाला जिला है। शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। प्रयाग को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल 12 जिले लाभान्वित होंगे इससे, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ये कुल 12 जनपद हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। इसकी भी निर्माणकारी संस्था है यूपीडा। तो गंगा एक्सप्रेस वे की शुरुआत कहां से होती है? मेरठ से प्रयागराज। कुल लंबाई 593 किलोमीटर या लगभग 594 किलोमीटर। लाभान्वित जिले 12। विशेषता क्या है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। दूसरी बात कि शाहजहांपुर में इस पर हवाई पट्टी भी है जहां पर लैंडिंग की जा सकती है। अब हम लोग जानेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में, लेकिन इससे पहले आप सबके लिए प्रश्न यह है कि ये दोनों एक्सप्रेस वे जो मैंने बताए, एक तो गंगा एक्सप्रेस वे, दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इनका उद्घाटन कहां से हुआ और किसने किया, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कब, कहां और किसने किया, कब, कहां और किसने किया, यह आप सबको कमेंट करके बताना है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वांचल क्षेत्र जो है गोरखपुर और जो बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है, इसको हम लोग पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है उसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर, 340 पॉइंट समथिंग है, 340 भी ऑप्शन में है, 41 नहीं रहेगा तो आप करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या लगभग 341 किलोमीटर आए तो उस पर वो कोई इशू नहीं है। इसका आधारशिला सुल्तानपुर से रखा गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसकी निर्माणदायी संस्था है यूपीडा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है, और इससे कुल
लाभान्वित जिले हैं 9। पहला जिला है लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, मऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और गाजीपुर। टोटल 9 जिले इससे लाभान्वित होंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और गोमती नदी का उद्गम कहां से है? फुलहर झील से। गोमती नदी का उद्गम कहां है? फुलहर झील। और कई बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है उत्तर प्रदेश की जिसमें जो किसी पर्वत या पठार से जिसका उद्गम नहीं होता है। कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम किसी पर्वत या पठार से नहीं होता है? तो यही वहां भी इसका आंसर हो जाएगा कि इसका उद्गम किसी पर्वत या पठार से नहीं होता है। आप सबको बताना है कि गोमती नदी किसकी सहायक नदी है। और इसका विलय किस नदी में और कहां पर होता है? गोमती नदी किसकी सहायक नदी है और इसका विलय किस नदी में और कहां पर होता है? तो जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये टोटल 9 जिलों को लाभ पहुंचाएगा। 9 जिलों से पास होगा। लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, मऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और गाजीपुर। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। और आपने देखा कि एक्सप्रेस वेज में हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए। और इसकी जरूरत क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है कि हम लड़ाकू विमानों का आपातकालीन लैंडिंग करा सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी आवश्यकता हुई तो हमारे पास एक्सप्रेस वेज है और इस एक्सप्रेस वेज पे हम इनकी आपातकाल लैंडिंग करा लेंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत में। इसने एक्सप्रेस वेज पे 3 हवाई पट्टियों का निर्माण किया है। इसी के साथ यह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके एक्सप्रेस वेज पे इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है, जिसने हवाई पट्टियों का निर्माण किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।